आज के समय के अंदर जो ज्यादातर डाइवोर्स के मामले आते हैं वो ऐसे आते हैं कि पति पत्नी के बीच में शादी के शुरुआती दौर से ही नहीं बन पाता है, यानी कि शादी के शुरुआती दौर से ही दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जारी रहता है और वो लड़ाई झगड़ा ही एक दिन विकराल रूप ले लेता है जिसके कारण दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। और दोनों को जब डाइवोर्स लेना होता है तो डाइवोर्स की दो प्रक्रिया होती है, या तो म्यूचुअल डाइवोर्स लेंगे या फिर कंटेस्ट डाइवोर्स लेंगे। और जब भी डाइवोर्स लेंगे तो पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस भी लेना होगा या फिर एलिमनी भी लेना होगा, यानी कि पत्नी या तो मेंटेनेंस लेगी या फिर एलिमनी लेगी। तो ये सिचुएशन हमेशा डाइवोर्स के केस के अंदर देखने को मिलती है। पर यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं जजमेंट बताने वाला हूँ ये सबसे हटके जजमेंट है, यानी कि इस जजमेंट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शादी के शुरुआती दौर से ही पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस मामले के अंदर पति पत्नी दोनों ही 14 साल तक प्यार प्रेम से साथ साथ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि न तो दोनों का म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ है और न ही कंटेस्ट डाइवोर्स हुआ है, और इसके अंदर न तो मेंटेनेंस देना पड़ा है और न ही एलिमनी देनी पड़ी। तो है ना अनोखा और गजब का सबसे हटके जजमेंट। तो इसी जजमेंट के बारे में आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि पति पत्नी को अब बड़ी आसानी से डाइवोर्स मिल सकता है और मेंटेनेंस और एलिमनी की भी कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, देना ही नहीं पड़ेगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी, पर करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जब भी डाइवोर्स की बात आती है तो पति पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स लेने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि उनका ये सोचना होता है कि अपन अगर म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेंगे तो दोनों का ही समय बच जाएगा, पैसा बच जाएगा और कम समय के अंदर अपने को सॉल्यूशन मिल जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ज्यादातर तो म्यूचुअल डाइवोर्स की भी कोशिश करते हैं, और कई मामलों के अंदर यह भी देखने को मिलता है कि एक लाइफ पार्टनर को डाइवोर्स लेना होता है और दूसरे को नहीं देना होता है। तो जिनको डाइवोर्स लेना होता है उनके द्वारा कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस अप्लाई किया जाता है, यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है, और इसमें स्पेशली ग्राउंड होते हैं, इनके आधार पर डाइवोर्स लेना होता है, एविडेंस के आधार पर अच्छे से क्लियर कर दिया जाता है तब तो डाइवोर्स मिल जाता है, अन्यथा डाइवोर्स लेना मुश्किल होता है। और इसमें सबसे बड़ा पार्ट आता है अगर हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस अप्लाई किया जाता है तो वाइफ के द्वारा मेंटेनेंस या फिर एलिमनी की डिमांड की जाती है, जो हाईली मेंटेनेंस या फिर एलिमनी हस्बैंड के ऊपर लगता है। और हस्बैंड को चाहे एक तरफा तलाक मिले चाहे ना मिले, अगर एक तरफा तलाक के केस के अंदर वाइफ के द्वारा मेंटेनेंस की डिमांड की जा रही है या फिर एलिमनी की डिमांड की जा रही है तो कोर्ट के द्वारा वाइफ का मेंटेनेंस या फिर एलिमनी बना दिया जाता है, यानी कि हस्बैंड के ऊपर ये लगा दिया जाता है। तो म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए तब तो ठीक है, पर म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर भी पत्नी के द्वारा एलिमनी की डिमांड की जाती है, पत्नी ऐसे ही म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए राजी नहीं होती है। वो तब राजी होती है जब उसकी मोटी रकम की पूर्ति की जाती है, उसको एक मोटी एलिमनी देने के लिए हस्बैंड के द्वारा हाँ की जाती है, तब तो दोनों का म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता है। तो ये इस तरीके से म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाएगा। और रही बात एक तरफा तलाक की यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स की, तो इसके अंदर मैं आपको बताया कि बहुत ही टफ मामला है, इसके अंदर साबित किया जाता है तब तो हो जाता है, अदरवाइज हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस या फिर एलिमनी लग जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोनों ही प्रक्रिया थोड़ी हार्ड ही पड़ती है। तो सभी ये चाहते हैं कि डाइवोर्स की एक बहुत आसान प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से डाइवोर्स मिल जाए और मेंटेनेंस या फिर एलिमनी भी ना देना पड़े। तीसरा डाइवोर्स का तरीका बताने वाला हूँ, इसके जरिए से आपका बड़ी आसानी से डाइवोर्स हो जाएगा, मेंटेनेंस या फिर एलिमनी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि पति पत्नी 14 साल तक प्यार प्रेम से साथ साथ रहते हैं और उनके बच्चे भी ठीक ठाक बड़े बड़े हो जाते हैं। तो जब बच्चे ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में वो पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग भी कम समय तक नहीं रहते हैं, 22 साल तक दोनों सेपरेशन में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो फिर हस्बैंड के द्वारा फैमिली कोर्ट के अंदर जाया जाता है, ये बोला जाता है कि हम दोनों पति पत्नी के रिलेशन के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है, हम दोनों इतने टाइम से अलग अलग रह रहे हैं तो हमें डाइवोर्स चाहिए, पर फैमिली कोर्ट से डाइवोर्स नहीं दिया जाता है। तो हस्बैंड के द्वारा फिर हाई कोर्ट के अंदर जाया जाता है, पर हाई कोर्ट के द्वारा भी हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दिया जाता है। तो अंततः मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को अच्छे से देखती है कि इस मामले के अंदर न तो म्यूचुअल डाइवोर्स का ग्राउंड बन रहा है न ही कंटेस्टेड डाइवोर्स का ग्राउंड बन रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हम इनको डाइवोर्स कैसे दें। अब इनके बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, मैरिज वगैरह हो गई है, वो भी अपनी लाइफ के अंदर सेटल हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब इन दोनों के रिलेशन के अंदर तो कुछ भी नहीं बचा है जब दोनों इतने दिनों से साथ साथ नहीं रह रहे हैं।
अलग अलग रह रहे हैं, 22 साल का एक लॉन्ग पीरियड हो चुका है, इन दोनों के रिलेशन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों के वर्तमान रिलेशन को इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का नाम दिया जाता है कि इन दोनों का रिलेशन अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया के आर्टिकल 142 के पावर का इस्तेमाल करते हुए इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड के आधार पे दोनों हस्बैंड वाइफ को डाइवोर्स देके अलग कर दिया जाता है। तो ये नया ग्राउंड है डाइवोर्स का, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया के तहत डाइवोर्स मिल सकता है बिना मेंटेनेंस और एलिमनी दिए हुए। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं। और इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।